हाय फ्रेंड्स, मैं मुसब्बिर अंसारी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मज़े से होंगे। आज तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ही, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, उससे भी आप कुछ मोटिवेट हो सकते हैं। और यकीन मानिए, आपको मोटिवेशन तो होना ही है। आज की कहानी मैं दुख को लेकर सुनाने वाला हूँ, क्योंकि कल रात को मेरा डेली का रूटीन है कि रात के जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मैं बाहर निकलता हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो मेरे दोस्त अक्सर मोहल्ले के टेम्पू में बैठ के गप सड़क का बातचीत होते रहती है। तो उसमें से एक दोस्त था, उसने कहा कि यार, ज़िंदगी में तो बहुत दुख है, मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी। तो मैं उसको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में किसके साथ दुख नहीं है। अगर किसी के साथ दुख नहीं है तो वो सुखी भी नहीं है, क्योंकि दुख वो बादल है जो हर राह में बरसने के लिए बेताब रहता है। दुख वो पहाड़ है जो हर पहाड़ चढ़ने वाले के मंजिल के आखिरी वक्त तक वो मिल ही जाता है। और मतलब दुख वो बागीचा है जिस बागीचे पर आप ना चाह के भी उस बागीचे में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी में अगर दुख ना हो तो सुख की कीमत भी कुछ नहीं होती। इसीलिए दोस्त, अगर आपके ज़िंदगी में दुख आए तो आप ये सोच लेना कि मुझे अल्लाह ताला इस आजमाइश के लिए चुना है कि मैं इसके काबिल हूँ। आप ये ना सोचें कि दुनिया का जितना भी दुख है सब मेरे पर आ गया। ये सोचने से, ये समझने से ही आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इस दुख के लिए कितना मजबूत हूँ और कितना अब इससे लड़ सकता हूँ। ये वही दुख है जो कभी बेटी के शक्ल में आता है, कभी बाप के शक्ल में आता है, कभी प्यार के शक्ल में आता है, कभी औलाद के शक्ल में आता है, कभी माँ के शक्ल में आता है, तो कभी रोज़गार के शक्ल में आता है, कभी एग्ज़ाम के शक्ल में आता है, तो कभी स्ट्रगल के शक्ल में आता है। लेकिन दुख आपके ज़िंदगी में आता ही है। आप यकीन मानिए, आप अपने दुख से दोस्ती कर लीजिए, आप दुख से दोस्ती कर लीजिएगा, फिर आपके ज़िंदगी में सुख ही सुख रहेगा। आप सोच लीजिए कि मुझे ये चीज़ अगर हो रहा है तो मुझे इस दुख से गुजरना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ पूरी ज़िंदगी में हमेशा सुख ही सुख रहता है, हर चीज़ आसानी से मिल जाता है, तो फिर ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता, क्योंकि आपको तो सब कुछ मिल ही जा रहा है, तो आपको उसको पाने के लिए आपको उतना चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपके ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ चाह कर भी नहीं मिले, उसे कहते हैं दुख। मेरे कहने का मतलब आप समझिए। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार, छोटा है लेकिन मोटा है, सुनिए। कि सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, अरे कुछ तो अधूरे ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है, कुछ तो अधूरे ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। अब मैं चलता हूँ अपने कहानी की तरफ। एक मियाँ और एक बीबी एक ही फैमिली में रहते थे, लेकिन बात यह था कि उस मर्द के अंदर में एक भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना खाने का दिक्कत, ना पीने का दिक्कत, ना रहने का दिक्कत, ना सहने का दिक्कत, ना औलाद का दिक्कत, ना और किसी चीज़ का। हर चीज़ को वो आसानी से कर लेती है। बेगम साहिबा कभी भी अपने शोहर को कहता कि मुझे सोने का नेकलेस ला के दे दीजिए, तो हस्बैंड तुरंत ला के दे देता। बेगम साहिबा अगर कहती है कि मुझे फ्रिज चाहिए, तो उसका शोहर तुरंत फ्रिज ला के दे देता। बेगम साहिबा अगर कभी कुछ बोलती कि चलो मुझे घुमाने के लिए ले चले, तो वो तुरंत उसे घुमाने के लिए लेके चल जाता। उसकी हर ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं था। अब सुनिए ट्विस्ट। एक दिन बीबी बेताब होके कहती है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। अब जो हस्बैंड था उसका दिमाग का बत्ती गुल हो गया और वो कहने लगा कि ऐसा क्या मैटर हो गया जो अचानक आप कह रहे हैं कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, ऐसा क्या? तो बीबी मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने देखा है कि जिस इंसान के ज़िंदगी में कभी दुख ना आए, कभी तकलीफ़ ना आए,
तो उनके औलाद के ऊपर आता है, और जब उनके औलाद के ऊपर आता है तो उनका औलाद ये दुख सहन नहीं कर पाता और अपनी पूरी ज़िंदगी को भूल कर उसी दुख को मिटाने में लग जाता है। इतना कहना ही था कि उसका शौहर शॉर्ट में पड़ जाता है और बीमार हो जाता है, और फिर उसकी आजमाइश का टाइम आता है जब अल्लाह ताला उसके तकलीफ़ों को, उसकी परेशानियों को आजमाता है। उस वक्त वो हस्बैंड का लेटरिंग, पेशाब सब बिस्तर पर होने लगता है और बीबी उसकी खिदमत करती है। तो ये कहानी से छोटी है, लेकिन ये कहानी से हमें एक सीख ज़रूर मिलता है कि अगर आपके ज़िंदगी में कभी दुख आए तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। वो दुख बड़ा शक्ल ना ले पाए, आप अपने चेहरे पे इतना मुस्कान रखिए कि आपको देखकर कोई दूसरा आदमी दुखी हो जाए, ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अरे यार इनके ऊपर भी इतना दुख है। ऐसा अपने आप को एक्टिव रखे, अपने आप को मोटिव रखे। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, थोड़ा भी पसंद आता है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।